वेलकम टू शेफ सारा कुक हाउस किचन में और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हमारे बहुत ज़बरदस्त सैंडविच हैं और इन सैंडविच का नाम जो है वो एक ब्रांड से निकलता है, टैगफुट सैंडविच। टैगफुट सैंडविच की एक ब्रांच हमारे लाहौर में भी है, अदरवाइज ये अमेरिकन ब्रांड्स के सैंडविचेस जो हैं जो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये सैंडविच जो है वो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, एज अ स्नैक पे भी खा सकते हैं। और इस सैंडविच की जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आइए हम अपने इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्रेड्स नज़र आ रही होगी हमें, मतलब 4 से 5 जो स्लाइस है वो ब्रेड स्लाइस चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर टमाटोज नज़र आ रहे हैं, टमेटोज चाहिए। बटर चाहिए आपको 2 टेबलस्पून। कैबिज है जो कि मैंने बिल्कुल शटर कटिंग में की हुई है, 2 eggs चाहिए आपको। इसके अलावा हमारे पास चीज़ स्लाइस होना चाहिए, चीज़ स्लाइस जो है वो आपका चेडर होना चाहिए, मोज़रेला नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे आपको ये चेडर चीज़ चाहिए ऑरेंज कलर वाला। इसके अलावा हमारे पास ये चिकन के स्लाइसिस हैं और ये मतलब बिल्कुल कुक्ड है, KNN से आपको पेपरोनी में और काफ़ी मतलब उसकी मतलब फ्लेवर्स हैं, आप जिसमें भी लेना चाहें ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल चिकन का जो स्लाइस होता है फिले वो भी काट के मैरिनेट, जैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको बताया हुआ है कि ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ कर सकते हैं मैरिनेशन, और फिर उसको ग्रिल करके आप अपने सैंडविच पे रख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन भी बताया है कि अगर आप ये नहीं लगाना चाहते स्लाइस, तो इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं हमारे पास ये चीज़ें हैं और इन्हीं रेसिपी के साथ आज मैं जो रेसिपी आपके साथ बना रही हूँ अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हम अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है 4 टेबलस्पून के करीब। अब इस पे हमने सबसे पहले जो है वो अपना एग बनाना है। इसमें लाई रखमानी रही हूँ, आपका इसे हमने थोड़ा सा मतलब कुक करना है, ओवर कुक करना है, यानी कि ऐसे नहीं रखना कि मतलब आपकी योक जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। ये देखिए इसे थोड़ा सा हम हिलाएंगे, अपनी योक जो अपनी बनाई है उसे थोड़ा सा हमने रोस्टेड करना है। ठीक है, अब हम फ्लेम पे से इसे हल्का सा उतार लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने इसे थोड़ा सा हार्ड करना है और अब हम इसे उतार लेंगे तो ये हमारा इस फ्लेम पे आ जाएगा। इसी तरह अब हम अपना दूसरा एग भी तैयार कर लेते हैं पहले, फिर दोनों पे हम स्लाइस लगाएंगे। आज आपको एग फ्राई की रेसिपी नहीं मिल रही है, जिन लोगों को अंडा बनाने नहीं आता तो आज वो अंडा बनाना भी सीखें। थोड़ा सा फ्लेम तेज करूंगी क्योंकि मैंने लो किया हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊं कि जो ये टैगफुट सैंडविच हैं ये बहुत टेस्टी सैंडविच होते हैं। आप जो लोग शॉप से खाते हैं और जिन लोगों को पता है इसका, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है कि वो अपना होममेड बना सकते हैं। थोड़ा सा हम हार्ड कर रहे हैं। ओके गाइस, दोनों जो एग्स हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं चीज़ स्लाइस खोल रही हूँ।
और ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये 1-1 स्लाइसेस हैं जो मैंने इनके ऊपर एग्स के ऊपर लगाए हैं, ठीक है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि जितनी देर में हमारा चीज़ और एग्स जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, और फिर हम इसे अपने सैंडविच पे लेकर आते हैं। ओके गाइस, अब आपके पास की 4 स्लाइसेस आ गए, तो अब ये मैं आपके सामने इसकी सारी असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल लाइट सा बटर लगाना है। कोशिश करना है कि सेंटर में ही आपका ये आए और हाथ से उठा के नहीं लगाइएगा। ये देखें, बिल्कुल लाइट लाइट सा। और साथ में ही आपने अपना जो ग्रिल पैन है ना वो फ्लेम पे लगा देना है ताकि वो हल्की सा गर्म होता जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास स्लाइसेस आ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने बटर को इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। बटर स्प्रेड करने के बाद आपने ये स्लाइसेस उठाने हैं। 1-1 स्लाइसेस हम लगाएंगे। थ्री, उसके बाद आपने टमाटोज लेने, कैबेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग था, हमने जो चीज स्लाइस के साथ किया था, ये देखिए, आपके सामने मैंने दोनों स्लाइसेस लगा दिए। उसके ऊपर अगर आप दोबारा से ये अपना फिलिंग करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं थोड़ी सी कैबेज, और ये आप इसको जो है, मैं स्लाइसेस को ग्रिल पैन में ले जाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मतलब ज़्यादा सैलड्स पसंद हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे ग्रिल पैन में ले जाते हैं। पहले आप देख लें, ये हमारी असेंबलिंग हो गई है। ये देखिए, ग्रिल पैन जो है वो मेरा गरम हो चुका है। मैंने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गरम किया है, और जो हमने असेंबलिंग की है अपने स्लाइस सैंडविच की, वो अब हम उठा लेंगे। और ये देखें, ठीक है, जस्ट आपने इस पर बिल्कुल लाइट ला सा वेट ऐड करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट मत लगाइएगा। ये देखें, और ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे सैंडविच की नीचे ग्रिलिंग है वो खूबसूरत आए। ये देखें, फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी ग्रिलिंग आ रही है उसकी प्रेजेंटेशन जब मैं कट करूंगी तो बहुत खूबसूरत आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो दोनों सैंडविचेस हैं वो अपने इसी तरह ग्रिल कर लेंगे, और फिर ग्रिल करके मैं आपको प्रेजेंटेशन प्लेटर में दिखा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे जो सैंडविचेस हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, और ये मैं आपको साथ दिखाती भी हूँ। ये देखें, ये इसकी लेयर्स हैं, यानी कि मैंने 4 स्लाइसेस के बनाए हैं, और ये हमारे डैगवुड सैंडविच जो हैं वो तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी जो ये रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आएगी, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे ये जो सैंडविचेज़ हैं ये कैसे लगे हैं। और अपनी न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के नाम।